गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। लास्ट क्लास में देखिए, हमने ये स्लाइड खत्म किए थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कर लिया था पूरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH क्या होता है, BH इक्वल्स टू बी कॉस लेमडा, BB इक्वल्स टू बी साइन लेमडा, बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, उसका टेंजेंट लॉ, टेन थीटा इक्वल्स टू B2 बाई B1, या कह लो BH बाई BV या BV बाई BH, जो भी जैसा भी है ना। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोगों को ये पढ़ना था, कंपैरिजन ऑफ डाई पारा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँ, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सबसे पहले तो आप ऐसे हेडिंग दे के साइड में कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एंड प्लस NDA, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NDA में कई बार ऐसा देखा गया है कि इसका कोई भी एक प्रॉपर्टी उठाकर पूछ देता है, ठीक है। और CBSE बोर्ड में इस टॉपिक से, CBSE बोर्ड में इस टॉपिक से आपको हर साल कोई ना कोई सवाल जरूर पूछता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 प्रॉपर्टी लगातार पूछ देता है। तो 2021 में जब आप फाइनल पेपर लिखोगे तो उस समय आपको 2021 में बोर्ड के लिए अभी से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और ये सारा जितना चैप्टर्स चल रहा है, ठीक है, जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, ये सारा 12th का टॉपिक ही चल रहा है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। सबसे पहला प्रॉपर्टी आ रहा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली रिपेल्ड बाई अ मैग्नेट। मतलब डायमैग्नेटिक वे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी जब हम किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएट करते हैं या प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो ये देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीनों का डिफ्रेंशिएट भी कह सकते हो इसको, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग ये नहीं पढ़े हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि तीनों का डेफिनेशन क्या है। तो पहला डेफिनेशन हमें ये बताया गया है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली रिपेल्ड बाई अ मैग्नेट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा, फिबली एक नया वर्ड आया है यहां पर, ये आपका देख लो, फिबली WEBLY, अच्छा एफ छोड़ दिया मैंने, ये फिबली, फिबली का मतलब होता है थोड़ा बहुत या कम, ठीक है। तो फिबली एक नया वर्ड है। अच्छा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे एंटीमनी, आप ये सब केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मरकरी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन, ये सारा जो है, ये सारा जो मतलब केमिस्ट्री में आपको मिलता होगा, ये सारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है, ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए बीच वाला जो है आपका ब्लू कलर का, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ब्लू कलर में क्या लिखा हुआ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी मैग्नेट के द्वारा बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, क्रोमियम। तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखे हैं कि अगर कॉपर को किसी मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो बहुत कम अट्रैक्ट होता है, तो कॉपर इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ये बोलेगा कि सर क्या कॉपर मतलब कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है, तो क्या हम किसी एक प्रॉपर्टी पर डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिक के लिए। तो यहां पर देखिए एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, क्या एग्जांपल है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, अल्कली है, अल्कलाइन, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, प्लैटिनम है एंड ऑक्सीजन है। उसी प्रकार फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो मैं आपको बता दूं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो किसी मैग्नेट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। जैसे किसी मैग्नेट के पास आप आयरन को ले जाओगे तो आयरन जो है काफ़ी ज़्यादा
अट्रैक्ट हो जाता है, या कोबाल्ट ले लो या निकल ले लो, फटाक से अट्रैक्शन होता है और चिपक जाता है जाके मैग्नेट में। ठीक है, मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक मैग्नेट ले लो, ठीक है, मान ली जाए मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट पीस ले लिया ऐसा, सपोज दिस इज मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब मैंने मैग्नेट ले लिया, अब इधर में मैं रख रहा हूँ आयरन, ठीक है, और यहाँ पर रख रहा हूँ मैं एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि, या फिर ऐसा कह लो कि एक बार पहले आयरन रख लो आप, तो आयरन फटाक से अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी बार में मैंने मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ और ये साउथ, और यहाँ पर जहाँ पर आयरन रखे थे वहाँ पर हम आयरन को हटा कर क्या रख देंगे, एल्यूमिनियम रख देंगे। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि एल्यूमिनियम जो है इसके तरफ बहुत कम अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर मतलब ऐसा कोई प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम बहुत कम अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये या तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा या तो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फटाक से अट्रैक्ट हो जाएगा, कौन, आयरन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो आपको डिफरेंशिएट, पहला डिफरेंशिएट आपको समझ में आ गया होगा। पहले डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने मतलब पॉइंट वन में हम लोगों ने डिफाइन किया है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, और उसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर टू पे आते हैं। पॉइंट नंबर टू क्या कहता है कि व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब किसको रखने की बात कर रहा है, यानी व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस। बहुत अच्छी बात बताई गई है, इसका मतलब समझिए क्या है कि मान लिया जाए कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब यहां पर मैंने एक रख दिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पता ये क्या होगा, जैसे ही हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो ये सारा जो लाइन्स है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये लाइन ये कोशिश करेगा कि हम ऐसे ना जाकर यहां से ऐसे जाएं, आई बात समझ में, और ये भी कोशिश करेगा यहां से ऐसे ना जाकर ऐसे जाएं, आई बात समझ में। तो इसका देखो डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आप पहला वाला अगर समझ लिए, डायमैग्नेटिक समझ लिए, तो पारा भी समझ जाओगे और फेरो भी समझ जाओगे। देखिए किस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, ये देखिए, ये जो है कॉलम वन में, ठीक है, ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कोई भी है, मतलब कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आप कुछ भी मान सकते हो, गोल्ड मान लो, सिल्वर मान लो, कुछ भी मान लो। अब इसको मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ऐसे, देख लीजिए। तो यहां पर देखा जा रहा है कि मतलब इस वाले पोर्शन के इधर देखो, यहां पर इस वाले पोर्शन पे इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे थे, तो इसको मैग्नेट के अंदर से जाना चाहिए, लेकिन ये मैग्नेट के अंदर से नहीं जा रहा है, ये यहां से आ तो ऐसे जरूर रहा है, बट ये यहां पर आने के बाद डाइवर्ट होकर ऐसे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस है ये उस सब्सटेंस को अवॉइड कर रहा है, किसको अवॉइड कर रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, उसका उल्टा होगा। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में द लाइन ऑफ फोर्सेस रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रेदर देन एयर, ठीक है, इसमें उल्टा होगा, जैसा डायमैग्नेटिक में हुआ उसका उल्टा। तो उल्टा मतलब क्या, कि अगर ये मैग्नेट है या कोई ऐसा मान लीजिए, मैंने ये एल्युमिनियम ले लिया, अब इस एल्युमिनियम को मैंने रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो कोशिश ये करता है कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहां से अंदर से जाना चाहेगा ऐसे, आई बात सुन, ये देखिए इस तरह से, ये आपका ब्लू वाला जो है कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, मान लिया मैंने इसको एल्युमिनियम, तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो देखिए क्या हो रहा, तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइन कोशिश ये कर रहा है कि हम एल्युमिनियम से होकर गुजरें, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर बहुत अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, दोनों डायग्राम से आप अच्छे समझ सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या है कि द लाइन ऑफ फोर्स टेंड टूवर्ड्स इन टू द स्पेसिमेन, ऐसा देखिए ये सारे जो है, ठीक है, किसके तरफ, स्पेसिमेन की तरफ टेंड कर जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, दूसरा पॉइंट में और क्या दिया हुआ, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर
टू वीकर फील्ड, मतलब फिबली रिपल्सन, तो ये तो पॉइंट वन के जैसा ही है, ठीक है। फिर ब्लू कलर वाला देखिए, मतलब ये वाला देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या दो, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीक टू अ स्ट्रॉन्गर फील्ड, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव कर रहा है, किसमें, डायमैग्नेटिक में, और पैरामैग्नेटिक में देखिए वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ मूव कर रहा है। ध्यान से देखिए, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, और यहां पर देखिए इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, ये दोनों हैं, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या है, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये भी देखो, ये भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर ये हो रहा, और ये भी आपका वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, बट अंतर क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर जो रिपल्सन हो रहा है ये फीबली रिपल्सन हो रहा, और यहां पर जो रिपल्सन हो ही नहीं रहा, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो ये किधर से किधर जाएगा, ठीक है ना, इट मूव्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड, दैट इज कॉल्ड फिबली रिपल्सन। तो इस केस में फिबली रिपल्सन होगा, इस केस में फिबली अट्रैक्शन होगा, और यहां पर होगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो ये तीनों आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप इसे। पॉइंट नंबर थ्री में देखिए, ये वाला पॉइंट, व्हेन अ डायमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइंस इट सेल्फ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। जब किसी डायमैग्नेटिक रॉड को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, मतलब फ्रीली लटकाया जाता है, अब फ्रीली कैसे सस्पेंड करोगे, मान लीजिए कोई बार मैग्नेट ले लो, ठीक है, जो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हो, तो उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली, उसमें एक थ्रेड से बांध के एक एंड को हम पकड़ लेंगे, दूसरे एंड को फ्री रखेंगे, मतलब थ्रेड के एक एंड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को बांध दिया, कॉपर सपोज ले लो, कोई भी कॉपर ले लो और उसको बांध दो, और उसके एक एंड को हाथ से पकड़ के रखो और दूसरे एंड में कॉपर लटका कर रखो, और ऐसे जगह पर रखना कि जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कई सारे स्टूडेंट, सर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पैदा करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऐसा करो, एक मैग्नेट आप यहाँ पर ले लो ऐसे, दूसरा मैग्नेट आप यहाँ पर ले लो ऐसे, दोनों मैग्नेट को आप इस तरह से रखो, इसका नॉर्थ पोल इधर रखो और साउथ पोल इधर रखो, और इसका साउथ पोल इधर रखो और इसका नॉर्थ पोल इधर रखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, कब बनेगा, जब इसका पोल स्ट्रेंथ एम रखो और इसका भी पोल स्ट्रेंथ एम रखो, दोनों का पोल स्ट्रेंथ एम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक थ्रेड लेंगे ऐसे, और इससे हम एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को लटका दिया, ठीक है, अभी इसका डायग्राम दिख जाएगा आपको। तो और यहाँ पर हम एक रिजिड सपोर्ट कह लें, या फिर हम हाथ से ही पकड़ के रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका टेंडेंसी कैसा होगा, ये देखिए आप, ये देखिए कैसा टेंडेंसी होगा जब इसको लटकाया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देखो है ना ऐसे, ये देखिए, तो किधर हो गया, अलाइन हो गया आपका। फिर से देखिए इसको, ये ऐसे था जब अभी इसको फ्रीली हम लोग लटका के रखे हैं, अब इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं, ये देखिए कैसा हो गया, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है, इट अलाइंस इट सेल्फ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो ये खुद ही अलाइन हो जाता है, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर थ्री डी फिगर है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, व्हेन अ मैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइंस इट सेल्फ इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, तो पैरेलल टू द फील्ड इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास फील्ड ऐसे हैं और मैंने मैग्नेट को ऐसे लटकाया तो ये इसी डायरेक्शन में अलाइन होगा ऐसा, ये देखिए, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये देखिए, ये देखिए, ये वेरी गुड, ये देखिए आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ब्लू वाला एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और जो बीच में दोनों ब्लू लाइन के बीच में जो पीसेस हैं वो है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन भी ऐसे है और बीच में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये ऐसे हैं। हम लोगों ने रखा था इसको ऐसे, बट ये इस तरह से हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल अलाइन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसका? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। उसी तरह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या है? यहां पर थोड़ा सा देखो, यहां पर बाय मिस्टेक यहां पर गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्शन कर लेना। यहां पे पैरामैग्नेटिक लिखा हुआ, वहां पे पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। क्योंकि देखो ये कॉलम जो है ये डाया के लिए था, ठीक है, ये डाया के लिए था, ये था पारा के लिए, और ये था फेरो के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए थर्ड वाले कॉलम में, यहां पर इस वाले कॉलम में देखिए, यहां पर पैरामैग्नेटिक लिखा हुआ है, यहां पर पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, वहां पर फेरोमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट अलाइन इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड वेरी क्विकली। तो ये क्या होगा? ये बहुत ज्यादा क्विकली अलाइन हो जाएगा ऐसे। देखिए कितना मतलब फास्ट अलाइनमेंट दी। आप देखिए, आप इसका अलाइनमेंट देखो, इसका अलाइनमेंट देखना, ये देखो धीरे से जा रहा है, धीरे से मूवमेंट हो रहा है। यहां पे देखिए क्विकली अलाइन होगा, ये देखिए, ये देखिए कितना फास्ट हुआ। देखिए फिर से देखिए, देखिए कितना फास्ट होगा, ये देखिए एकदम फास्ट हो रहा है। तो ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर पे क्या है? इफ अ डायमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन अ वॉच ग्लास, ठीक है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर एंड कलेक्ट्स एट द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर फार्दर, ठीक है। कहने का ये मतलब है, आप इसका डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो, डायग्राम में समझना आप। ये देखो ये एक, ये जो ब्लू वाला है इस फिगर में, इस फिगर में ये जो ब्लू वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली ब्लू वाली, ये ब्लू। तो जब हम एक इसको कांच मान लो आप, ठीक है, इफ अ डायमैग्नेटिक लिक्विड, ये लिक्विड कौन सा है जो ये रेड कलर ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा शेप में जो दिख रहा है, ऐसा शेप में, ये वाला शेप जो है इसको ऐसे रखा गया, ठीक है। आप फिर से देखो इसको, ये वाला देखो, ये ऐसे है और ऐसे रखा गया। तो ये जो है ना, ये आपका लिक्विड, और ये जो है ना, ये आपका ग्लास है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत करना, ये ग्लास है और ये है आपका लिक्विड, ठीक है। आप सिंपली ये समझ लो कि जो ब्लू कलर का जो कर्व लाइन है वो आपका ग्लास है ना। उसको क्या किया गया, दो मैग्नेट के पास, मतलब उस तरह से अरेंज करके, फिगर के अकॉर्डिंगली अरेंज करके रखा गया, ठीक है। तो लिक्विड का जो शेप है वो वैसा हो जाएगा जैसा आपका, कैसा दिख रहा है ये, ऑरेंज कलर टाइप का दिख रहा है, ठीक है, जैसा आपका ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो है ना, ये वाला, हाँ क्लियर। फिर से पढ़ते हैं, इफ अ डायमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन अ वॉच ग्लास, अगर एक वॉच ग्लास में मैग्नेटिक लिक्विड को लिया जाए और उसको फिर यूनिफॉर्म एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो इट कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये देखो सेंटर पे, मतलब दोनों का जहां पर सेंटर होगा, इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे देखो, जो ब्लू लाइन है और जो लिक्विड का जो लाइन है वो लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो इस वाले पॉइंट पर टच कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट पर भी टच कर रहा है, और बीच में टच नहीं कर रहा है। तो वही कहना चाह रहा है कि इट कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर टू क्लोजर एंड कलेक्ट एट द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर फार्दर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्रॉपर्टी, हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए प्रॉपर्टी नंबर 4। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, देख लीजिए। इफ अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन अ वॉच ग्लास इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्ट्स
एट द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर एंड कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर फार्दर। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, फिगर से समझ में आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर, देखिए दो फिगर आपका इसके लिए दिया गया था, अब इसका फिगर देखिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं टेंडेंसी। देखिए ये मैंने एक ग्लास में डायमैग्नेटिक लिक्विड को लिया था, तो जब इन दोनों मैग्नेट को, इसको और इसको, दोनों को जब पास में रख रहे हैं तो सेंटर पे शेप जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा शेप बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है। और जब थोड़ा सा इस वाले मैग्नेट को इधर ले गए, इस वाले मैग्नेट को इधर ले गए और इस वाले मैग्नेट को इधर ले गए, मतलब ये वाला फिगर, ठीक है, तो देखिए शेप कैसा हो गया। और इसका उल्टा होता है पैरामैग्नेटिक में, जब पास में रखेंगे, ठीक है, तो शेप ऐसा होगा, और जब दोनों मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, ये वाला जो इसका फर्स्ट केस था वो इसका सेकेंड केस है, और जो इसका सेकेंड केस था वो इसका फर्स्ट केस है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए कि इफ अ पैरामैग्नेटिक, फिर से इसको समझ लीजिए आप, इफ अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन अ वॉच ग्लास इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्ट्स एट द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर एंड कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन मैग्नेटिक पोल्स आर फार्दर। ठीक है, ये हो गया आपका। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए देखिए पढ़ते हैं क्या है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में वही है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में है। देख लीजिए, इफ फेरोमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन अ वॉच ग्लास एंड प्लेस्ड, ये वाला पढ़ रहा हूँ, इफ फेरोमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन अ वॉच ग्लास इज प्लेस्ड इन अ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्ट्स एट द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर एंड कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर फार्दर। ठीक है, ये देखिए ऐसा हो गया। तो इसमें नेचर आप देख सकते हैं पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस का और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेचर लगभग सेम है। ठीक है, बट डायमैग्नेटिक का अलग है थोड़ा। और क्या देखते हैं, पांच पॉइंट नंबर पांच, व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंड्यूसिंग फील्ड। देखिए यहां पर एक नया वर्ड आया है, ठीक है, एक होता है मैग्नेटिज्म और एक नया वर्ड आपको यहां पर है मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, इस वर्ड पे आप स्ट्रेस डालो, मैग्नेटाइज्ड इसका मतलब क्या होता है। मान लिया जाए कि आपके पास एक मैग्नेट है, ऐसा ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कुछ भी, ये एक मैग्नेट ही मान लेते हैं इसे, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस फील्ड में अपन ने एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया ऐसा, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज है, दिस इज नॉट अ मैग्नेट, ये मैग्नेट नहीं है, बट ये मैग्नेटिक मटेरियल है। अब थोड़े देर के बाद ये जो पीस था मेरा, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लिए, तो इसको बाहर आ गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा था यहां पर, था मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसको मैंने निकाल लिया, यहां पर मेरा मैग्नेट था ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको बाहर निकाल लिया, अब इसके पास एक तीसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस ला रहा हूं ऐसा। तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि ये जो है ना, ये वाला, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई दिव्य शक्ति थोड़ी प्रकट हुआ, इसमें क्या हो गया, इसमें इस मैग्नेट के वजह से एक यूनिकनेस डेवलप हो गया, और उस यूनिकनेस को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी। ये बॉडी जो है मैग्नेटाइज्ड हो गया, और जब कोई बॉडी मैग्नेटाइज्ड होती है तो वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ आकर्षित करती है, या अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फाइव आपको समझ में आ गया होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर फाइव,
फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ब्लू लाइन पढ़िए ये वाला लाइन, व्हेन आ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसिंग फील्ड। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये भी वीकली मैग्नेटाइज्ड हो रहा था, ये भी वीकली मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, तो आखिर दोनों ही वीकली मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? ये जो हो रहा है इंड्यूस्ड फील्ड के अपोजिट हो रहा है और ये इंड्यूस्ड फील्ड के डायरेक्शन में हो रहा है। ध्यान से देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड फील्ड लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंड्यूस्ड फील्ड। ये अंतर है दोनों में। कहने का मतलब है कि जब हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दोनों ही मेरा वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा, बट जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो अपोजिट टू द इंड्यूसिंग फील्ड मैग्नेटाइज्ड होगा और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा ये इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसिंग फील्ड मैग्नेटाइज्ड होगा। अब आप बोलोगे सर इंड्यूसिंग फील्ड का क्या मतलब है, ये तो एक नया वर्ड है। बिल्कुल नया वर्ड है, देख लो फील्ड का इंड्यूस्ड होना ये आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, आप लिख के नया नहीं होना चाहिए आपके लिए, अगर मैं ये चैप्टर डायरेक्ट पढ़ाता तो नया होता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं क्लासरूम में, फील्ड इंड्यूस्ड होना मतलब किसी दूसरे के कारण, मतलब आप ऐसा समझ लो कि यहां पर एक कोई मैग्नेट है, ऐसे सपोज दिस इज मैग्नेट। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट, अब इसमें एक दूसरा ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, दिस इज अ सब्सटेंस। ठीक है, दिस इज अ सब्सटेंस एंड दिस इज अ मैग्नेट। इसको इसके पास ले गए तो इसके द्वारा जो फील्ड इंड्यूस्ड हुआ ना, तो मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहां पर देखो ये फील्ड इंड्यूस्ड होगा, ये इंड्यूस्ड फील्ड ऐसा कह सकते हैं, तो इसमें जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा किसमें, इस वाले में, वो आपका इस वाले में जो फील्ड इंड्यूस्ड, मतलब ये इसमें जो ऑब्जेक्ट जो सब्सटेंस इसमें मैग्नेटाइज्ड होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा और ये फील्ड के, सॉरी ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा और ये फील्ड के, मतलब इंड्यूसिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो लास्ट वन पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए पॉइंट नंबर 5। व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसिंग फील्ड। आई बात समझ? डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, ये भी वीकली हो रहा है, बट ये स्ट्रांगली हो रहा है। अच्छा, ये हो रहा है इंड्यूसिंग फील्ड के अपोजिट में, ये हो रहा है इंड्यूसिंग फील्ड के डायरेक्शन में, और जो लास्ट वाला है ये भी हो रहा है इंड्यूसिंग फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें और इसमें वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है बट डायरेक्शन सेम है, सॉरी डायरेक्शन अलग है, और इसमें डायरेक्शन सेम है इन दोनों में, ये भी इंड्यूसिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है और ये भी इंड्यूसिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, बट ये वीकली मैग्नेटाइज हो रहा और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है। तो ये आपका डिफरेंस है, आप स्क्रीन को पॉज करें और नोट करें। और भी पॉइंट होगा इसमें, पॉइंट नंबर 6 देखिए, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, एम मतलब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है, तो अगर ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, डायपोल मोमेंट, वो भी बहुत कम होगी, तो इसकी वैल्यू कम होगी मतलब नेगेटिव होगी, और इसकी पॉजिटिव होगी मतलब इसकी कम होगी और नेगेटिव होगी, इसकी कम होगी बट पॉजिटिव होगी, इसकी बड़ी होगी और पॉजिटिव होगी। तो ये डिफरेंस है, पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसमें इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन स्मॉल वैल्यू को होती है और ये नेगेटिव वैल्यू होती है, इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
ये भी स्मॉल होती है बट ये पॉजिटिव होती है। इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब कैपिटल आई, ये जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है और बड़ा होता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 देख लीजिए क्या है। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी म्यू इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ओ माय गॉड, ये म्यू की वैल्यू इसमें लेस देन 1 होता है, ये म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, और ये म्यू की वैल्यू मच मोर देन 1, तो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं। ये डिफरेंस हो गया आपको पॉइंट नंबर 8। ठीक है, 9, पॉइंट नंबर 9, आप एक काम करो, इसके पहले वाले जो, वन सेकेंड, हाँ आप इसको थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करो और इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, इसके पहले भी आप एक बार स्क्रीन को पॉज करो और इतना पॉइंट्स को पहले आप नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको पूरा ये कर दे रहा हूँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप भी जल्दीबाजी मत करना। ठीक है, ये रहा आपका, ये पहला पॉइंट, स्क्रीन को पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ये देखिए, स्क्रीन को पॉज करिए और नोट करिए अच्छे से। ठीक है, ये रहा आपका, स्क्रीन को पॉज करिए, नोट करिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, स्क्रीन को पॉज करिए और नोट करिए। देन पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा, चलो पॉज करो स्क्रीन को और नोट करो इसको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, चलो स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो इसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, ठीक है, ये रहा पॉइंट नंबर 10, और ये दसवां पॉइंट। दसवां पॉइंट मैं आपको खुद पे छोड़ता हूँ, वैसे कोई खास है नहीं इसमें, पढ़ ही लेते हैं, छोड़ना क्या है इसमें। पॉइंट नंबर 10 देखिए, द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, दैट इज प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। क्यूरी साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि टेम्परेचर और जो ससेप्टिबिलिटी होता है उसमें उन्होंने रिलेशन दिया था, तो इसके बाद हम लोग क्यूरीज लॉ ही पढ़ेंगे। देखिए लो क्यूरीज लॉ क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल वेरीज इन्वर्सली विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी मतलब ये ऐसा, ये जो होता है ना, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में डायरेक्ट डाला हुआ है। ठीक है, तो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन था उसका आंसर कुछ ऐसा था। ठीक है, इसका मैंने डिस्कशन भी किया है आपको, तो ये आपका आंसर था। या तो कह सकते हैं कि टाइम के इन्वर्सली, सॉरी, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर कह सकते हैं कि वन बाई टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी, एंड और आई इज, आई बाई एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा कहाँ गया यार, ये रहा है ना। ठीक है, तो यहां से देखिए, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी। ठीक है, एच अपॉन टी, अगर मैं एच को इधर लेना लाना चाहूं तो आई बाई एच हो जाएगा, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी। या तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी, या फिर कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ध्यान रहे, टी इज नॉट टाइम, टी इज टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, नाउ द रेशियो आई बाई एच, दिस रेशियो इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। यू कैन सी हियर, यहां पर ससेप्टिबिलिटी को मैंने सी एम से दिखाया है। ठीक है, तो सी एम इज द क्यूरी कॉन्स्टेंट। तो यहां पर आप ऐसे लिखना, आप ऐसे लिखना,
आई बाई एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड देयर फोर साई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसके बाद यहाँ ऐसे लिख देना साई इक्वल्स टू सी एम इंटू वन बाई टी, और सी बाई एम को लिख देना क्यूरी कांस्टेंट, या फिर सिंपली सी लिखो ना, इसको एम मत लिखो, सी बाई टी लिख दो, तो सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। तो ये आपका क्यूरी टेम्परेचर, देखिए एक नोट नीचे में होगा सबसे लास्ट में, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ फॉर आयरन इज 1000 केल्विन, फॉर कोबाल्ट इट इज 1400 केल्विन एंड फॉर निकल इट इज 600 केल्विन। अलग अलग मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 10 आप समझ लो कि दे डू नॉट क्यूरीज, दे डू नॉट ऑबे क्यूरीज लॉ, दैट इज देयर प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ओबे क्यूरी लॉ, दे यूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विथ रेज इन टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल्सो ओबे क्यूरीज लॉ एट अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट, दे लूज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्यूरी टेम्परेचर पे ले जाया जाता है तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करना शुरू कर देता है, और कुछ देर के बाद ये इसके तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये देख लो एक कर्व है आई वर्सेस एच अपॉन टी कर्व, ये कर्व ऐसा है। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर का वेरी लास्ट टॉपिक, दैट इज हिस्टेरेसिस लूप और मैग्नेटाइजिंग कर्व। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लूप एंड मैग्नेटाइजिंग कर्व, एक ऐसा मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्टेरेसिस लूप है इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोला गया, तो टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इसमें देखो आप जब ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको एक हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ना है, ये अलग है। ये इस बात को बताता है कि कोई भी सब्सटेंस को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितना ज़्यादा या कितना कम मैग्नेटाइज्ड होगा। ध्यान से देखो, IH कर्व लिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब कर्व आपका ये इस तरह का, इस पूरे कर्व को बोला गया है हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, अलग अलग पॉइंट है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग कर्व भी इसको बोला जाता है या फिर हिस्टेरेसिस कर्व भी बोला जाता है। समझिए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इनिशियली थ्रू ओ ए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ओ से जब हम आई इंक्रीज कर रहे हैं, आई मतलब ये वाला ये जब बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ये कैसे पता चल रहा है, ग्राफ से पता चल रहा है। ग्राफ देखिए, देखिए बढ़ रहा है ना दोनों, तो इस वाले ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक इस वाले ग्राफ में देखिए, ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, आई जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो शुरू में दोनों जीरो था, ओरिजिन पे था, तो ध्यान से देखिए, और धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ था तो जीरो था, तो आई देखो यहाँ पर जब चला गया तो एच यहाँ तक आ गया, तो देखो ये एच इतना बढ़ गया ना, इतना बढ़ा ना एच, और आई इतना बढ़ गया। ठीक है, तो जब आई बढ़ रहा है तो एच भी बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट को पॉइंट ए माना गया। ठीक है, अभी देखो आ जाएगा, ये देखो ए बी सी डी ई एफ है ना, तो दिस कर्व इज नोन एज हिस्टेरेसिस कर्व या फिर मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में भी आप ऐसे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी बी एस ई 2021, हेडिंग दीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए ग्राफ में कैसा है, तो इनिशियली ओ से जब ए तक है कर्व में, अब यहां पर देखना, देखो अब ग्राफ में देखते जाना, मैं अब बार बार लिखूंगा नहीं, तो
आप ओ से ए में देखो, ग्राफ इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेशन, यहां पे देखिए, यहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर फोर्स बढ़ाया गया, एच इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड आई इज इंटेंसिटी, अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी थ्रू ओ ए, ओ से ए तक, एंड रीचेज सेचुरेशन एट ए। इसका मतलब क्या है कि ए पर सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया, इसके बाद ये डिक्रीज होगा। व्हेन एच डिक्रीजेज, जब एच डिक्रीज किया गया, व्हेन एच डिक्रीजेज आई डिक्रीजेज बट इट डज नॉट कम टू जीरो। ध्यान से देखिए, जब मेरा यहां पर था तो यहां से एफ तक, अगर इस वाले लाइन पे जा रहे हैं तो यहां तक देखो, यहां तक एच बढ़ा, एच बढ़ा ना जी, ध्यान से देखो फिर से, एच यहां से यहां तक बढ़ रहा है, और जब यहां तक एच बढ़ा है इस पॉइंट तक, तो आई भी बढ़ रहा है, और फिर एच को डिक्रीज किया गया, तो एच को जब डिक्रीज किया गया तो ए से आ जाइए आप, देखो ए से बी में आ जाओ, तो जब ए से बी पर आओगे तो एट बी, एट बी एच की वैल्यू क्या है, जीरो है। क्यों है जीरो एच की वैल्यू, क्योंकि सर ये तो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, अगर मान लेता हूं मैं तो वाई एक्सिस पर इस एक्सिस का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो पॉइंट बी पर आई की तो वैल्यू है बट एच की वैल्यू नहीं है। मतलब जब हमने फोर्स बढ़ा रहा था तो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ रहा था, और जब घटाएं तो फोर्स घट के एच इक्वल्स टू जीरो हो गया, बट आई जो है वो जीरो नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आई सेटअप इन द मटेरियल रिप्रेजेंटेड बाई ओ बी इज कलेक्टेड रिटेंटिविटी। अभी देखो, ओ से बी तक, मतलब ये वाला चीज, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, ठीक है। तो रिटेंटिविटी एक मार्क्स का डेफिनेशन कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म सेटअप इन द मटेरियल रिप्रेजेंटेड बाई ओ बी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टू ब्रिंग, नेक्स्ट पढ़िए, टू ब्रिंग आई टू जीरो टू डी मैग्नेटाइज कंप्लीटली, ठीक है। कहने का मतलब ये आप समझ लो कि आप ऐसे समझो, जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, है ना, हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये हम लोग पढ़ें कि उसमें मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डेवलप होता है, मतलब उसमें भी मैग्नेट वाला इफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। तो आखिर अब क्या हुआ कि आप दो सिचुएशन ले लो, ठीक है, सिचुएशन वन ले लो एंड सिचुएशन टू ले लो, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू मतलब एच वन है और यहाँ पर एच टू है, और एच टू इज ग्रेटर देन एच वन है, ठीक है। अब एक कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने यहाँ पे रखा और उसी सब्सटेंस को मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रखा तो ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज्ड हुआ, यहाँ पर थोड़ा और अधिक मैग्नेटाइज्ड हुआ, अब मैंने एच थ्री ले लिया, अब मैंने क्या ले लिया, एच थ्री ले लिया, तो एच थ्री मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर और मैग्नेटाइज लिया, फिर एच फोर लिया तो एच फोर पे थोड़ा और मैग्नेटाइज हुआ। आखिर ये कब तक मैग्नेटाइज होगा, एक समय ऐसा आया कि वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको मैंने रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी बढ़नी बंद हो गई, मतलब रुक गई, तो उसके बाद हम फोर्स घटाना शुरू किए। तो जब हम फोर्स ओ से ए तक ले गए थे तो इंक्रीज हुआ, इंटेंसिटी जो है ओ से आई तक इंक्रीज हुआ, ग्राफ में देख लीजिए, और जब हम घटाना शुरू किए तो घटा के हम जीरो कर दिए, एच की वैल्यू जीरो कर दिए पॉइंट बी पे, आप देख सकते हो पॉइंट बी पर एच की वैल्यू जीरो है, तो एच की वैल्यू जीरो कर दिए तो आई भी जीरो हो जाना चाहिए, बट आई तो जीरो हुआ ही नहीं, आई तो थोड़ा सा घटा, देख लो आई तो मेरे यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये वाला, तो इतना ही दूर आई मेरा घटा, ठीक है, तो आई बहुत कम डिक्रीज हुआ। तो यहां पर ठीक है, अब हमको क्या करना है, आई को जीरो करना है, तो आई जीरो को जीरो करने के लिए हम
एच कहाँ ले गए? एच को जीरो से चले गए लेकर नेगेटिव तक। जीरो से कहां तक ले गए? नेगेटिव तक लेकर चले गए। तो सी पॉइंट पर देखिए, ग्राफ में सी पर देखिए, मतलब इस वाले पॉइंट पर, एट सी एच की वैल्यू क्या है? जीरो है। बट आई क्या है? आई हो गया आपका नेगेटिव। मैंने उल्टा बता दिया क्या? हाँ उल्टा बताया मैंने। आई जीरो है, फिर से देख लो, एट पॉइंट सी आई बिकम्स जीरो एंड एच बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स है, कुछ भी फिजिक्स नहीं है इसमें। एकदम जिसको ग्राफ आता है वो अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, तो यहां से फिर से देख लिया, टू ब्रिंग आई टू जीरो, आई को जीरो करने के लिए अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज अप्लाइड। तो अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक अप्लाई किया, दिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिप्रेजेंटेड ओसी इज कॉल्ड कोरिसिविटी। ठीक है, तो एक है आपका ओसी, तो ओ से सी तक दिस इज कॉल्ड कोरिसिविटी, एंड ओ से बी तक दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ये आर हो गया और ये सी हो गया। आई बात सुन, और पढ़ते हैं। आफ्टर ये वाला पॉइंट, आफ्टर रीचिंग द सिचुएशन लेवल डी, जब लेवल डी पर चले गए, तो व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिवर्स्ड द कर्व क्लोज टू द पॉइंट ए कंप्लीटिंग द साइकिल। ठीक है, तो यहां से जब ये इसको और अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर देखे है ना, और क्या किया हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किए, तो करते 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 ठीक है, एच की वैल्यू और नेगेटिव ले गया। देखिए एच नेगेटिव यहां पर ऑलरेडी था, यहां से और इधर आ गया, तो पहले थोड़ा सा यहां तक आया था, अब यहां यहां तक आ गया, तो एच और ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो एच और ज्यादा नेगेटिव, तो इससे ज्यादा मतलब अब जब हम इसको एकदम मैक्सिमम नेगेटिव कर दिए, तो आई यहां पर मैक्सिमम नेगेटिव हो गया ये वाला पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। अब इससे ज्यादा और नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, द लूप ए बी सी डी ई एफ ए इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इस वाले पूरे लूप को कहां से लेकर, ए से बी तक आओ, फिर सी तक जाओ, फिर डी तक आओ, फिर ई तक आओ, फिर एफ तक आओ, फिर ए तक आ जाओ। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से रखना कि हिस्टेरेसिस लूप में ओ ए को काउंट नहीं किया गया। देख लीजिए, ओ से ए, ये एक ब्लू लाइन है ग्राफ में। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लूप को ओ हिस्टेरेसिस लूप में ओ ए को काउंट नहीं किया गया। ठीक है, द एरिया ऑफ द लूप गिव्स द लूप एनर्जी ऑफ ड्यू टू, सॉरी ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन, द एरिया ऑफ द लूप गिव्स द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एंड इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ये जो लूप का एरिया होगा, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ द लूप। तो लूप का जो एरिया होगा उससे हमको क्या मिलेगा? लॉस ऑफ एनर्जी मिलेगा। किसके द्वारा? ड्यू टू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एंड इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यही आपका हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा। ठीक है, द मटेरियल लाइक आयरन हैविंग थिन लूप इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट्स, एंड दैट विथ थिक लूप लाइक स्टील इज यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, ये आप देख लो, ये आपका दिस इज कॉल्ड, ये कर्व, वाइब्रेटिंग कर्व आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका एंड ऑफ द मैग्नेटिज्म। चैप्टर फिनिश हो गया पूरा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस चैप्टर को लेक्चर 1 to end जितने भी लेक्चर मैंने डाले हैं, ठीक है, अभी मैं इस पर एक लेक्चर और डालूंगा, वो न्यूमेरिकल का होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का होगा, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह के सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं।
हालांकि मैं आपको हर टॉपिक में बताते गया हूँ, बट फिर भी इसका एक स्पेशल क्लास लूँगा, उसमें मेन फोकस होगा असाइनमेंट पे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, आज का लेक्चर फिनिश।